वो अलाई रूथ के पास गई हुई थी और वो उसे क्लिप दिखाते हुए बोलती कि तुम मेरे घर कल रात क्या कर रहे थे मेरे बहन के साथ। रूज बोलता है कि तुम मेरे पीछे किसी को छोड़ रही हो ना, ताकि मेरे हर मोमेंट के बारे में पता चले। ये सुनने के बाद वालाई बोलते कि अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे कैसे पता चलता कल तुम मेरे घर गए थे, और क्लिपिंग में तो साफ साफ दिख रहा है तुम मेरी बहन को घसीट के अंदर ले जा रहे थे। तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है मुझे बताओ, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे, ऐसा वो पूछती है। ये सुनने के बाद रूज बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी खुद की बहन आई थी मेरे पास ये बोलने के लिए कि जो गंदी हरकतें तुमने की है मेरी फैमिली के साथ उसके लिए वो सब कुछ सही करना चाहती है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वाला ही बोलते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया मेरी बहन के साथ तुम मेरे घर पे क्या कर रहे थे तो मैं ये क्लिप पुलिस को दे दूँगी। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि ठीक है दे दो, और मैं भी बता दूंगा कि तुम्हारी बहन मेरे साथ आने के लिए कितनी ज़्यादा डेस्परेट है। अब मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतना ज़्यादा हैंडसम, पता है तुम्हारी बहन मुझसे दूर रह नहीं सकती, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वाला ही बोलती कि तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, क्लिपिंग में साफ साफ दिख रहा है कि तुम उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जा रहे हो। ये सुनने के बाद जो वाला ही थी वो बोलती कि मेरा काम है मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना, और मुझे जानना है तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे, ऐसा वो बोल रही थी। ये सुनने के बाद जो रूज है वो बोलता है कि अब क्या कर सकते हैं, जवान लोग हैं, अंदर रूम में तो कुछ भी हो सकता है ना, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम दोनों क्या कुछ नॉर्मल कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो तुम सोच रहे हो वही कर रहे हैं, ऐसा बोल के वो वालाई को देखता है। और वालाई को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोल रही थी कि तुम मेरी बहन से दूर रहो। ये सुनने के बाद जो रूज था वो बोलता है कि इसके लिए तो मैं तुम्हें कुछ भी रिस्पॉन्स कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी बहन बार बार मेरे पास आ जाती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं मेरे बाप की तरह नहीं हूँ कि मैं हर कोई लड़की के आगे पीछे घूमता रहूँगा, और ऐसे भी तुम कौन सा अट्रैक्टिव हो, पता नहीं मेरे पापा को क्या दिखा था तुम में, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद रोज बोलता है कि मुझे वार्न करो, मुझे पता चल गया कि तुम्हारी बहन ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, तो उसका आंसर लेने मेरे पास आए ना, तो जाओ खुद की बहन के पास पूछ जाओ और उसे पूछो ना कि मेरे आगे पीछे क्यों घूमती रहती है, मेरा सर क्यों खाती रहती है, और अब अगर इसके बाद भी तुम्हारी बहन मेरे पास आएगी मेरे साथ आएगी तो मैं उसे रोक नहीं पाऊँगा, हाँ ऐसा वो बोलता है। और वाला ही को बोलता है कि अगर तुम वार्न करना चाहते हो तो अपने बहन को जाके वार्न करो, मुझे नहीं, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ, पालतू नौकर, ऐसा हो बोलता है। वाला ही बोलती कि मेरी बहन से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। रूज बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और हमें दिखाया जाता है जो लास्ट एपिसोड में इंड हुआ था वो वाला सीन, एक लड़की अपनी मॉम को एक्सीडेंट वाले हालत में लेके आई हुई होती है, और तभी वाला ही देखती है उनको और वो अपनी मॉम वाले टाइम याद करती है, और उसके बाद वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो गई थी। और हमें दिखाया जाता है रूज, उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रूज वाला ही हॉस्पिटल पे अपने वाले बेड पे ले आता है चेकअप के लिए, और वाला जैसे आंखों खोलती है तो वो पूछती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और रोज उसे इस तरह से बेहोश होने का रीजन पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती, और रोज बोलता है कि फिक्र मत करो ये मेरा हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें पैसे चार्ज नहीं करूँगा, मैं ऐसे फ्री में सेवा कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। तभी वाला ही बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई भी फीस की जरूरत नहीं है, मैं जितना पैसा लगेगा ना मैं सब कुछ चार्ज करूँगी तुम्हें, वरना लोग ना बोले कि इतने बड़े हॉस्पिटल की सीईओ इतने लो क्लास हॉस्पिटल में चेकअप करवा रही है और यहाँ पर चेकअप करवाने के पैसे भी नहीं है, ऐसा वो बोल रही थी। रोज वाला से पूछता है कि तुम्हें सडनली इस तरह से पैनिक अटैक क्यों आया था। ये सुनने के बाद जो वालाई थी वो कुछ भी ना बोलते हुए अंदर वाले रूम में चली जाती है, वहाँ पर जाके वो काफ़ी घबराई हुई थी। तो हमें फिर से फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिस दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में अब सबसे बेस्ट सर्जन तो डॉक्टर पैको भी थे, और सबने यही बोला हुआ था, वो डॉक्टर पैको के सामने जाकर हाथ जोड़ के रो रही थी और वो बोल रही थी कि अभी मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बाद में मैं आपको लौटा दूंगी, प्लीज़ आप मेरी मॉम को ज़िंदा कीजिए, उनको सही कीजिए, बोल के रो रही होती है। तभी डॉक्टर पैको ने भी उनसे प्रॉमिस किया था कि वो का देखभाल जरूर करेंगे, और उन्होंने बोला था कि हमारे हॉस्पिटल की प्रायोरिटी है पेशेंट ना कि पैसे। लेकिन उसी टाइम पे दूसरा वाला डॉक्टर जो रूज की मॉम का
पर्सनल डॉक्टर था, वो आके बोलता है कि आपकी वाइफ को हॉस्पिटल पर लिया गया है, तो प्लीज़ जल्दी चलिए। ऐसे सुनने के बाद डॉक्टर प्राय को कुछ सोचे समझे बगैर वहाँ से चले गए थे। और बेचारी जो वालाई थी वो रोते रह जाती है। और कुछ देर बाद उसकी मॉम की मौत हो गई थी, तो वालाई जो थी ना वो अपनी मॉम की मौत के लिए हॉस्पिटल वालों को भी जिम्मेदार ठहराती है। वही चीज़ें पास वो याद कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, घबराने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वालाई जैसे ही घर पे जाती है तो वहाँ पर जो उसका निदान था वो ऑलरेडी बैठा हुआ था और वो बोलता है कि किसी ने हमारे हॉस्पिटल के सारे पेशेंट के प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया है और हमें अभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। ये सुनने के बाद वालाई परेशान हो जाती है और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल गई थी। और सब लोग यही बोल रहे थे कि पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, जैसे ही सीईओ बदल गई उसके बाद सडनली इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट पर्सनल या इनके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस तरह से लीक होना तो नॉर्मल बात नहीं थी, हॉस्पिटल के लिए ये बहुत ज़्यादा बेशर्मी वाली बात थी। और सब लोग उससे उल्टे सीधे सवाल पूछे जा रहे थे। वालाई जैसे तैसे सिचुएशन को मैनेज करती है और उसके बाद निथान जो था वो वालाई पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और वो बोल रहा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, मेडिसिन वाला कॉन्ट्रैक्ट और पेशेंट्स भी बहुत डिक्रीज हो रहे हैं, बुकिंग कैंसिल हो रही है, बोल के ओ वालाई पे बहुत गुस्सा कर रहा था। वालाई बोलती कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ सबको सॉर्ट आउट करने का और मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी बोलती है। हमें दिखाया जाता है वालाई जाती है एन के पास और उसे वो न्यूज़ दिखाती है, बोलती कि तुम्हें इसके बारे में पता है, तभी एन बोलती है हाँ मुझे पता है, तभी जो वालाई है वो बोलती कि मुझे पता है ये सब रूस का कारनामा है और मैं उन लोगों को छोड़ने वाली हूँ नहीं, मैं इस क्लिप को रिलीज कर दूँगी बोल के वो वही क्लिप दिखाती है जहाँ पर रूस वालाई को अंदर घसीट ले जा रहा था, वालाई को नहीं एन को। और वो बोलती है कि मैं ये बोलूँगी मीडिया के सामने कि रूस ने तुम्हें मोलिस करने की ट्राई किया। ये सुनने के बाद वालाई को बोलती है एन की तुम्हारे पास एक तो कोई सबूत नहीं है, अगर कोई सबूत नहीं है तो तुम उसे ब्लेम कैसे कर सकती हो, अगर तुम ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोच रही हो ना तो एक बात याद रखना मैं भी सबको बता दूँगी सच क्या है। और ये सब सुनने के बाद जो वालाई थी वो बोलती कि तुम मेरी बहन हो और उसके साइड ले रहे हो, तभी जो एन है वो बोलती कि मैं बस सच का साइड ले रही हूँ ना तो किसी और का साइड ले रही हूँ, अगर तुम गलत करोगी तो मुझे सच के लिए खड़ा होना पड़ेगा, या फिर तुम जाओ रूस के अगेंस्ट एविडेंस लेके आओ कि पेशेंट का इन्फॉर्मेशन उसने लीक किया है तब मैं मानूंगी, ऐसा वो बोल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वालाई काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, निदान उसे देख रहा था। और पास्ट वाला सीन जहाँ पर वालाई का सारी हरकतें उसने ऑब्जर्व किया हुआ था कि वो रूज को पसंद करती है और उसने उसी टाइम पे वालाई को बोला हुआ था कि रूज बहुत हाई क्लास है, तुम्हारे बहुत से बहुत बार है तो अभी तुम उसके पापा के से ही काम चला लो, उसने बोला हुआ था। और अभी प्रेजेंट वाले सीन में दिखाया जाता है निथान बोलता है कि एक बात बताओ तुम्हें प्रॉब्लम किस बात की है, मुझे पता है तुम उसे पसंद करती हो और वो तुम्हारी बहन के पीछे जा रहे थे, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद वालाई बोलती है कि ऐसी कोई भी बात है मैं उससे नफरत करती हूँ, तभी निथान हंसते हुए बोलता है कि तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं, मुझे पता है तुम उससे पसंद करती हो। सुनने के बाद जो वाला है उस पर गुस्सा करती है। ये सुनने के बाद निदान बोलता है कि तुम्हारा ये जो ऑर्डर है ना मुझ पर नहीं चलेगा, बाकी दुनिया के सामने तुम मुझे ऑर्डर दे सकती हो लेकिन यहाँ पर नहीं, ये मत भूलो, अगर ये तुम्हें सब कुछ दिला सकता हो तो तुमसे सब कुछ छीन भी सकता हो, ऐसा वो बोलता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो लॉयर अंकल आए हुए थे यहाँ पर, जो चावित नाम का लॉयर था वो, और उसके बाद उनसे वो वही बातें कर रही थी वालाई की, अगर रूज ने ये सब लीक किया है तो हम कैसे आगे जा सकते हैं, तो वो बोलते कि ठीक है अगर हमारे पास एविडेंस होगा तो हम इजीली उसे फ्रेम कर सकते हैं, उसे सू कर सकते हैं। और तभी जो वालाई है वो बोलते कि ठीक है तो मैं उसे सू करने के लिए रेडी हूँ अगर मुझे एविडेंस मिला तो, ऐसा वो बोल रही थी। और उसके बाद जो चावित थे वो बोलते कि मुझे एक कॉल है, कॉल आया है तो मैं चला जाता हूँ, और वो बाहर जाते हैं। उसी टाइम पर वो सप्लायर वाला लिस्ट का जो बैग था वो अंकल का, जो चावित अंकल थे उनका वहीं पर रह जाता है। और
जो निधन देखता है वो सप्लायर की लिस्ट पे, तो वो तो वहाँ पर तो कुछ और ही नाम था। तो निधन को आइडिया हो गया और वो वालाई को भी बता देता है और वो बोलता है कि अविरुद्ध ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट प्लान कर चुका है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये मेरे वाली लिस्ट से तो बहुत अलग है, ऐसा वो बोलता है। सुनने के बाद वालाई बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो अंकल थे, अंकल जावेद, वो रूस को ये सारी चीज़ें बता देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वाले सीन में जो रोज हॉस्पिटल पे आता है, तभी उसे पता चलता है कि कुछ हुआ है और वो फिर से अंकल जावेद जो लॉयर थे रूस के पापा के, और उसके बाद नीथान और एक और डेज नाम के बंदे, उन तीनों को रखता है और वो बोलता है कि मैंने जो सप्लायर वाले लिस्ट दिया हुआ था उनमें से तीनों अलग अलग थे और मैंने बस ये चेक करने के लिए दिया था कि आप में से कौन से लोग वालाई के साइड पे है, और मुझे पता चल गया। बोल के वो अंकल डेज को वहाँ से भगा देता है, बोलते हैं कि आपने हमें धोखा दिया हुआ है। अब ये कैसे हुआ वो तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन रूज काफ़ी ज़्यादा परेशान था और अंकल डेज ये बोले जा रहे थे कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन रूज कुछ भी उनकी बातें नहीं सुनता। अगले सीन में दिखाया जाता है जो रूज था, वो क्रीट के साथ बात करने के बाद क्रीट अभी बहन को ये सारी चीज़ें बता देता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और अभी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है तो वालाई ऑलरेडी इन दोनों को फॉलो कर चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जो क्रीट था वो बोलता है कि जो रोज है वो तुम्हें इस्तेमाल करके वालाई के सारी इन्फॉर्मेशन लीक करवाने की, उसकी सारी सीक्रेट बाहर करने की ट्राई कर रहा है, तो तुम्हें सेफली रहना पड़ेगा। ऐसे होने के बाद एन बोलते हैं कोई बात नहीं, और ये दोनों भैया पर बात कर ही रहे होते कि तभी आ जाती है जेन। जेन आ जाते हैं, रोज आ जाता है और रोज बोलता है कि तुम इस दुनिया में कितने सारे लड़कों को जानती हो, और यहाँ पर जो क्रीट है वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पहले तो ये बहाना करता है कि हम दोनों बस यहाँ पर मिले तो ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, और जेन बोलती है कि मुझे इससे बात करनी है साथ में। रोज बोलता है कोई बात नहीं, मुझे अभी अपने दोस्त के पास साथ बात करनी प्राइवेट में, उसके बाद मैं तुमसे भी बात कर लूँगा। सो हमें दिखाया जाता है पैरेलली, पहले रोज क्रीट से बोल रहा था कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं, तुम इसको जानती हो, और वो ऐसा दिखा रहा था कि शायद अभी उससे ज़्यादा भरोसा होने वाला है नहीं क्रीट पे। तभी क्रीट बोलता है कि वो मेरी हाई स्कूल के टाइम की दोस्त थी, हम दोनों प्रैक्टिकल साथ में किया करते थे, और बहुत टाइम के बाद हम दोनों यहाँ पर मिले तो मुझे लगा मैं बात कर लेता हूँ। अब ऐसे एक्सप्रेशन मत दो कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ही नहीं है। सुनने के बाद रोज बोलता कि ऐसी बात नहीं है, तुम देख नहीं रहे हो, वो तुम्हारा इस्तेमाल करे मुझ तक पहुँचने के लिए, और वो अपने बहन के लिए इन्फॉर्मेशन ले जाना चाहती है हम दोनों से, तुम समझ नहीं रहे हो। ये सुनने के बाद क्रीट बोलता है कि देखो दोस्त, तुम एन को गलत समझ रहे हो, एन इतनी भी बुरी नहीं है, वो अच्छी लड़की है। लेकिन रोज उसकी बात पर भरोसा कर नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि हर मर्द की तरह एन का चार्म फिर से इस पर भी चढ़ गया। हमें दिखाया जाता है जेन, जेन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, वो जो एन थी उसके ऊपर पानी गिरा देती है, और वो तब यहाँ पर क्रीट आ जाता है। क्रीट अपनी बहन को सुनाने लग जाता है और वो अपनी बहन को वहाँ से लेकर चला जाता है, और जो रोज था वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी जो एन है वो बोलती कि प्रॉब्लम तुम में है, हमेशा तुम मेरे पीछा करते हो और तुम अपने आप से स्टोरीज बनाते हो, और अभी मुझे ब्लेम मत करना। तभी रोज उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसके बाद वो पीछे पीछे जाता है और पार्किंग एरिया में दिखाया जाता है वालाई ऑलरेडी कार में उसका वेट कर रही थी। वालाई को दिखने के बाद एन बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोज बोलता है मुझे कोई बात नहीं करनी, और वो वहाँ से जाने वाला था। वाला ही बोलते हैं कि मुझे तुमसे फिर से एक बार बोलना है, मेरी बहन से दूर रहो। ये सुनने के बाद रोज इधर मुड़ता है और हंसते हुए बोलता है कि कितनी बार बोला है मैंने, मैं नहीं तुम्हारी बहन मेरे पीछे पड़ी हुई है और मेरा सर खा रही है पता है। और वो वहाँ से फिर से जाने वाला था। तभी वालाई बोलती कि तुम मेरे बहन के साथ क्या कर रहे थे, मुझे ये बता के जाओ कि तुम मेरी बहन के साथ उस रात क्या कर रहे थे, और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम्हें मेरी बहन के पीछे नहीं आना है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि अरे बाबा, तुम्हारा दिमाग थोड़ा भटका हुआ है क्या, मैंने कितनी बार बोला हुआ है मुझे तुम्हारी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम बार बार बोल रहे हो ना कि मैं उस घर पे क्या कर रहा था। फाइन, मैं बता देता हूँ, तो क्या हुआ था ना, तुम्हारी बहन
जो तुमने मेरी फैमिली के साथ जो हरकतें की, जो मेरे पापा के साथ किया, जो मेरी मॉम के साथ किया, उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा थी। तो वो उससे जो हो सके वो करना चाहती थी, इसीलिए वो मुझे अपने घर पे लेके गई थी। वो घर याद है जहाँ पर तुम मेरे पापा को सीड्यूस करती थी, मेरे पापा के साथ सोती थी? पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी बहन के साथ भी वही करूँगा जो तुम मेरे पापा के साथ किया करती थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा मैं इतना ज़्यादा घटिया भी नहीं हूँ। तो मैंने उसे समझाया कि जो तुम्हारी बड़ी बहन ने हरकतें की है ना, उसके लिए वही भुगतेगी, वही सज़ा भुगतेगी, तुम्हें भुगतने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें याद देना एन, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है मैंने बहुत सोचा था, कसम से मुझे नहीं इन्वॉल्व होना तुम्हारी बहन के साथ, लेकिन नहीं, अब तो तुम मुझे इतना परेशान कर चुकी हो। और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारी बहन के आसपास होता हूँ तो तुम तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना। कोई बात नहीं, अब तो मैं तुम्हारी बहन के पीछे पड़ जाऊँगा। वो बोल रहे हैं ना कि वो कुछ भी करेगी, तुमने जो हरकतें किया है उस बात की वजह से उसको सही करने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं उसके साथ अब तो मेकअप कर ही लूँगा और मैं उसे मजबूर करूँगा तुम्हारे हॉस्पिटल को रिजाइन करके मेरे हॉस्पिटल को ज्वाइन करे। तो अब बताओ अब क्या करोगी? ये सुनने के बाद जो औरत थी वो तो पगला जाती है और वो बोलती कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद जो रोज है वो बोलता कि तुम्हारी शक्ल पे देख के ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम बहुत प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड थी। एक बात बताओ, घर में बड़ी और छोटी बहन थी तो बड़ी को ज़्यादा प्यार नहीं दिया क्या उसके पेरेंट्स ने, जो इतनी बड़ी मुसीबत की पहाड़ हो गई? पता है तुम्हारी बहन नफरत करती है तुमसे, तुम इसे बहन पाकर ना वो बहुत शर्मिंदा है, जो हरकतें तुम करते हो उसकी वजह से पता है वो लोगों को माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहती। पता नहीं ऐसी बहन किसको मिलती है, ऐसा वो बोलने लगता है। ये सुनने के बाद एन भी उसे रुकने की ट्राई कर रही थी, लेकिन रोज बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। और जो वाला है वो तो बस उससे चुप रहने के लिए बोले जा रही होती है। और रोज़ बोलता है कि आज तक तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी बहन के आसपास आऊँगा भी नहीं, क्यों जो करना है मैं तुम्हारे साथ करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो तुम मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो, तो मैंने डिसाइड कर लिया है जो हरकतें तुमने मेरे साथ किया, मेरे फैमिली के साथ किया, उसके लिए तुम्हारी बहन ही भुगतेगी, तो मुझे देखना है तुम क्या क्या उखाड़ लोगी मेरा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि तुम तो दुनिया में सबसे अकेली हो ना, इसीलिए लोगों को परेशान करती रहती हो, पता नहीं तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें कभी प्यार किया भी होगा या नहीं। ये सब सुनने के बाद वाला काफ़ी तक वो पैनिक अटैक जैसा उसे आने लग जाता है और वो बहुत परेशान थी एंड रोज को रोकने की ट्राई कर रही थी, लेकिन रोज की जुबान तो बंद होने का नाम ले ही नहीं रही थी। वाला वहाँ से जाने की ट्राई करती है, एक गाड़ी आती है और वाला उस पर टकरा जाती है और एन काफ़ी परेशान होते हैं, अपनी बहन को उठाने के लिए जाती है, रोज देखते ही रह जाता है, मतलब वो तो बहुत कंफ्यूज था कि सडनली ये क्या हो गया। अभी रोज और एन मिलके वालाई को अस्पताल पर ले आते हैं और उसके बाद वालाई को ठीक करने के लिए रूम के अंदर ले आ जाता है। एन रोज से बोलती है कि भले तुम मेरी बहन से नफरत करते हो, लेकिन तुमने आज मेरी बहन की हेल्प की, थैंक यू, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है वो सब तो ठीक है, मुझे इतना तो करना ही था क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की तरह नहीं हूँ या फिर तुम्हारी तरह नहीं, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद रोज बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो सडनली इतना पानी क्यों हो गई थी? लास्ट टाइम भी मेरे अस्पताल में आने के टाइम पे वही हो गई थी, वो एक फैशन को देखने के बाद, और अभी भी मतलब उसको प्रॉब्लम क्या है, ऐसा वो पूछता है। सुनने के बाद एन बोलती है कि मुझे तो पता नहीं है, अगर पता होता भी ना मैं तुम्हें ना बताती, वो तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद जो एन है वो रोज को बोलते है कि आज मैं मेरी बहन ने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत कुछ किया हुआ है, इतना तो मिल के तुम मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही बर्ताव करो, तुमने जो बोला है ना आज मेरी बहन को उसकी वजह से उसे ऐसा अटैक आ गया होगा, ऐसा वो बोल रही थी। तो सुनने के बाद जो रोज था वो बोलता है कि तुम्हारी बहन ने जो किया उसके बाद ही तुम एक्सेप्ट करेगी मैं उसके साथ बहुत अच्छा रहूंगा, भूल जाओ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, अगर तुम अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती हो ना तो मैं भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पहले ही ओ वाला को हट कर दूँ या फिर ना करूँ, ऐसा है बोल देता है। और उसके बाद वहां से चला जाता है, हमें दिखा जाता है जो आंटी और चली जाती है अंदर वालाई को देखने के लिए। वालाई को देखते टाइम उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहा होता है,
तो लास्ट टाइम यहाँ पर एन के एन और वालाई के मम्मा पापा काफी ज्यादा लड़ाई किया करते थे, मतलब ऐसा होता है ना डोमेस्टिक वायलेंस जैसा, बहुत बुरी तरह से मारपीट होती थी। और जो एन एन हमेशा से बहुत सहन तक की लड़की थी, लेकिन वालाई सहन बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने मॉम के साथ कोई भी ऐसी गलत चीजें करे उसे बर्दाश्त नहीं था, भले वो उसके खुद के पापा क्यों ना हो, अपने पापा के साथ बैठ जाती थी। जिसकी वजह से जो एन थी वो अपने पापा की फेवरेट बन गई और वालाई अपने पापा की सबसे नापसंद बेटी बन गई। और उसके बाद जो पापा थे वो एन को लेकर वहां से शिफ्ट हो गए। और यही था पास्ट। और अभी फिर से प्रेजेंट में लिखा जाता है जो एन थी ओ ये चीज याद करके वाला को देख रही होती है। तभी उसके फोन पे वाला के फोन पे फोन आता है जो था निथान का। निथान का फोन देखने के बाद ओ सोचते ही मेरे मतलब सच उतर उसे तो डाउट है ना निथान पे, इसीलिए वो ऐसे फोन रिसीव करती है लेकिन कुछ भी बातें नहीं करती। निथान भी ठहरा बहुत ज्यादा स्मार्ट आदमी, ओ फोन रिसीव ऐसे हेलो बोलने वाला होता है लेकिन उधर से कुछ भी आवाज ना आने की वजह से वो भी बिल्कुल रुक जाता है। और उसके बाद ज्यादा डाउट ना हो इसीलिए ओ हेलो ये वाला का फोन है ना, कहाँ पर वो वाला पता है कितना परेशान हो गया था, मैं तुम्हारे कितने कॉल्स आ रही है, तुम तो कल हो ही नहीं, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो एन थी वो बोलती है कि हम में वाला की बहन बोल रही हूँ, वो हॉस्पिटल में है। ये सुनने के बाद निथान बोलता है कि ओ तो तुम हॉस्पिटल पे हो, मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रहा था क्योंकि कल से वाला कॉन्टेक्ट में आई नहीं, पता नहीं कहाँ गई होगी, ऐसा वो बोल के काफी ज्यादा कंसर्न दिखा रहा था। और उसके बाद चीन सेट होता है फिर से निथान वाला का फोन लेने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर जो एन थी वो बोलती कि मैं वाला के साथ आज यहीं पर रहने वाली हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सुनने के बाद निथान बोलता है कि मैं उसका अकेला असिस्टेंट हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो ठीक है या नहीं वो देखने का, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद निथान ये बोलता है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं वो फोन लेके जाना चाहता हूँ, असल में वाला के ऑफिशियल जो भी कॉल आने वाली है ऑफिस से प्रोफेशनल कॉल वो तो मैं ही रिसीव करूंगा ना, अगर वाले ना हो तो, ऐसा बोलता है। तो सुनने के बाद एन उसे ओके बोल देती है और उसके बाद वो उसे वाले का फोन ले देती है। एन को चाहे कुछ भी बोलो लेकिन निथान को तो पहले से ही डाउट था, वो इसीलिए बात को घुमा फिरा के ये पूछती है कि तुम तो इस हॉस्पिटल में बहुत टाइम से काम करती हो तो क्या तुम्हें आइडिया है असल में उस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर को क्यों मर गए थे, मतलब उनका उनका हार्ट अटैक कैसे आ गया था, ये पूछती है। सुनने के बाद ये निथान ने वो भी बहुत घुमा फिरा के बोलता है कि मुझे कुछ खास पता नहीं है, मुझे बस ये बताया गया था कि डॉक्टर प्राय को हॉस्पिटल से निकल गए थे, उसके बाद उनका कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो वापस ले आए गए थे तो उनकी मौत हो चुकी थी, बस इतना ही बताता है। और उसके बाद जो एन थी वो पूछती है कि इस हॉस्पिटल से तो सारे लोग मुझ के साथ चले गए तो तुम अभी वाले के साथ क्यों हो, मतलब तुम इतने सालों से यहाँ पर काम करती हो लेकिन तुम अभी वाले के साथ हो, मतलब कुछ है क्या जो मैं मिस कर रही हूँ, ऐसा पूछती है। सुनने के बाद रोज जो निथान था वो ऐसे ड्रामा करते हुए बोलता कि असल में क्या है ना मुझे हॉस्पिटल से बहुत प्यार है क्योंकि इस हॉस्पिटल से मेरे कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें वो बताने लग जाता है जिससे एनमेंटेड हो जाती है। और उसके बाद जो निथान है वो पूछता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही थी, तभी एन बोलती है कि असल में सब लोग मेरी बहन को डॉक्टर पैकअप की डेथ के लिए मेरे ना ठहरा रहे, तो मैं बस कंफर्म कर रही थी कि मेरी बहन उसमें इन्वॉल्व नहीं है और तुमने मेरी बहुत मदद की, ऐसा हो बोल देती है। और उसके बाद निथान बोलते है कि कोई बात नहीं कुछ और हो तो मुझे बता देना कॉल करके, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा, बोल के वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है एन जब रूम में आती है तो देखती है वहां पर तो वाला है नहीं, उसके बाद वो एक चीज देखती है जहाँ पर लिखा हुआ था मुझे अब नहीं जीना। और उसके बाद वो चली जाती है छत की तरफ यहाँ पर वाला एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो रही होती है और वो बोल रही थी कि मेरे करीब मत आना, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, बचपन में मॉम जो मुझसे प्यार करती थी वो भी जा चुकी है, तुम भी मुझे नफरत करती हो, पापा भी मुझे नफरत करते हैं और डॉक्टर प्यारको भी थे जिसने मुझे स्टेबिलिटी दिलाई और मुझे एक प्यार दिलाया, तो अब वो भी चले गए तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी, ऐसा वो ड्रामा करती है। तभी वाला को जो एन है वो समझाने की ट्राई कर रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो। तभी जो
वालाई है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से रोहित मुझसे नफरत करता है, ऐसा वो बोलती है। तभी वो वालाई के पास जाके बोलती है कि क्या हुआ है, प्लीज ऐसी गलती मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं किया था, तुम गलत समझ रहे, ऐसा वो बोल रही थी। तभी वालाई एन को बोलती कि तुम्हारी बहन में रोज की मैं कोई फीलिंग है क्या। तभी वाला बोलती कि नहीं वैसी कोई भी बात नहीं है। तभी जो वालाई है वो बोलते कि अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या तुम उसे ये बता सकती हो कि मैं ऐसी लड़की नहीं जैसी वो समझ रहा है, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है, प्लीज उसे मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर करो ना, मुझसे वो नफरत करता है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, ऐसा वो बोलती है। एंड बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो रूज है उससे बात जरूर करूंगी और उससे मैं कन्विंस कर लूंगी तुम बुरी लड़की नहीं हो और तुमसे जरूर प्यार करूंगा, ऐसा बोल के वो कहने लगाती है। तब हमें पता चलता है शायद ए बी वाले का कुछ नहीं था क्योंकि उसके फेस का एक्सप्रेशन ही बदल गया था। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जब एन रूम से बाहर आ गई थी तो वाला भी उठ गई थी और उसके बाद उसने मेडिसिन ऐसे बिखा दिया था जमीन पे और उसके बाद एक पेपर पे लिखा था कि मुझे आप जिंदा नहीं रहना और उसके बाद वो बाहर चली गई थी, मतलब ये सब उसका प्लान था। और फिर से हमें दिखाया जाता है एंड वालाई को लेकर बेड पे सुला देती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर रेस्ट कर दो और मैंने किसी को बताया नहीं तुम तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हुआ है, और जो मिठान आया था मिठान ने मेरा फोन दे दिया और तुमसे फोन मांग रहा था, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद वालाई बोलती है कोई बात नहीं और एन बोलती है कि मैंने मिठान को एम ए बताया कि तुम क्यों यहाँ पर तुम फिक्र मत करो। तभी वो बोलती कि कोई बात नहीं ठीक है और उसे रेस्ट करने के लिए बोल के वहां से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है निधन चला जाता है रोज के घर पे क्योंकि जो रोज की मॉम थी उन्होंने निधन को बुलाया हुआ था। जो हमें दिखाया जाता है जब निधन जाता है अंदर तो रोज एक फैसला याद कर रहा था जहाँ पर निधन और बैठ के यही बातें कर रहे थे कि इन दोनों को निधन पे डाउट देने के लिए इन दोनों के पास कोई पक्की सबूत थी नहीं। सो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो निधन था और रोज की मॉम से बात कर रहा होता है तो रोज की मॉम की बातों से हमें पता चलता है हॉस्पिटल से पेशेंट के से करवाने वाली कोई और नहीं ये मैडम थी क्योंकि वो चाहती है किसी भी कीमत पे वालाई को जल्द से जल्द उस हॉस्पिटल के सीईओ को वाले पोजीशन से हाथ धो बैठने पड़े। और उसके बाद वो बोलती है घूम जाओ जल्दी से और एविडेंस लाओ उसके अगेंस्ट, उसे किसी भी कीमत पे सीईओ के पोजीशन से हटाओ, ऐसा वो बोलने होती है। हमें दिखाया जाता है जो मैडम थी वो एक क्लास पर याद कर रही थी तो बेसिकली डॉक्टर पैको बहुत ज्यादा अच्छे वाले इंसान थे जिनको पैसे की कभी पड़ी रहती है और हमेशा लोगों की हेल्प किया करते थे, लेकिन इसका इफेक्ट उल्टा करा नेचर था। उसकी मम का जो एक नंबर की लालची और खमंडी टाइप की औरत थी जिसकी वजह से ही उसकी हस्बैंड उसके बीच में बहुत लड़ाई हुआ करती थी और जब भी डॉक्टर पैको कुछ डोनेशन टाइप की कुछ चीजें किया करते थे तो उनको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि फ्री में पैसे जा रहे हैं। तो ये चीजें याद करे होते हैं। हम देखते हैं अगले वाले सीन में वाला आती है हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल पे आने के बाद वो फार्मास्यूटिकल के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो याद कर रही थी डॉक्टर पैको ने उसे फार्मास्यूटिकल गिफ्ट दिया हुआ था क्योंकि उनको अभी वाला पे बहुत ज्यादा भरोसा था। रात वाला सीन जहाँ पर वाला अपने आप से बोल रही थी कि डॉक्टर पैको आपने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, थैंक यू सो मच, अब मुझे आपसे एक आखिरी चीज चाहिए वो है आपका बेटा, ऐसा वो बोल रही थी। तो अब मैडम की नजर है रेस पे और वो असलियत में। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जब वालाई अंदर रूम में आती है तो वो देखती है वहां पर मीठा था, मैडम को देखने के बाद वो एंग्री वाला एक्सप्रेशन देती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। निधान वालाई के करीब जाने की ट्राई करता है लेकिन वालाई उसे भगा देती है, ये बोलती है कि मेरा मूड है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद निधान बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, तुम अपने आप को बचा रहे हो ना अभी रोज के लिए, मुझे पता है तुम्हारे दिल में जिसके लिए क्या फीलिंग है, लेकिन एक बात जरूर याद रखना मुझे जीत करने की सोचना भी मत क्योंकि अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो तुम्हें तबाह भी कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ की चाबी ना मेरे हाथ में, ऐसा बोल देता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जब वाला हॉस्पिटल पे आती है मीटिंग चल रहा होता है कोई पेशेंट के ब्लड सैंपल करने के लिए
और सब लोग वालाई को सुना रहे होते हैं और उसके सीओ को पोजीशन से बैक होने के लिए बोल रहे थे। वालाई उन लोगों को भरोसा दिलाती है कि वो कुछ भी करके सिचुएशन का हैंडल कर लेगी। बाहर आने के बाद रिपोर्टर्स वालाई के ऊपर बहुत बुरी बुरी कमेंट पास करने लग जाते हैं और बहुत भला बुरा कह रहे थे। साथ में ये भी कि वो दक्षिण पागो को मिस्ट्रेस से वो बस मिस्ट्रेस करने के लायक है, पुराना वाला सीईओ रूथ को वापस हॉस्टल पर ले आओ। तभी तो रूथ की मॉम थी वो आ जाती है और वो ऐसा ड्रामा करते है कि आप लोग फिकर मत करो, मैं सबको सिचुएशन को हैंडल कर लूंगी। तो मेरे पति का हॉस्पिटल था, भले ही अभी मैं यहाँ पर इंटरव्यू हो नहीं पाऊंगी, वालाई ने रूल लगाया हुआ है, ऐसा वो बोल देता है, बोल देती है। ये सब सुनने के बाद सब लोग वालाई को और भी ज्यादा सुनाने लग जाते हैं। जो उसकी मम थी ना फिर वो तो सब लोगों को अपने नए हॉस्पिटल में इन्वाइट करती है। हमें दिखा जाता है जो वालाई थी अंदर चली जाती है, तभी फिर उसके पीछे पीछे जाती है और उसके बाद उसे बोलती है कि कैसा लगा जैसा तुमने आरसीएफ किया, मैं वही कर रही हूँ। ये सुनने के बाद वालाई बोलती है जब तुम्हारा किया धरा है ना, तभी वो नाखून पे वो बोलती है हाँ मेरा ही किया धरा है। साथ में ये भी अस्पताल में पेशेंट के रूप में निकल आने वाली भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहती थी और एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी जो तुमने हमसे छीना हुआ है, ऐसा वो बोलती है। और वो पहले को ये तो बोल देती है तुम बस मिस्ट्रेस बनने के लायक हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल देती है। वालाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, वैसे चली जाती है और जो अहम थी वो सब कुछ देख रही थी। और उसके बाद जब जो वालाई थी वो अपने आप काम करने की ट्राई कर रही होती है, तभी एहन जाके उसे रोक लेती है। हमें दिखाया जाता है एहन वालाई को अपने बेड पे सुला देती है और उसके बाद वो उसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है। तभी जो वालाई है वो बोलती है कि तुमने देखा ना वो कैसी है, अब तब मुझे ऐसे दोनों करना बंद करो, वो इतनी अच्छी भी नहीं है। ये सुनने के बाद जो एहन है वो बोलती है कि तुमने स्टार्ट किया था, तुमने उसकी फैमिली को सबसे पहले हर्ट किया इसीलिए वो रिस्पॉन्ड कर रही है शायद। इस सुनने के बाद जो वालाई है वो बोलती है कि तुम कैसी बहन हो, तुम खुद की बहन की साइड भी नहीं ले सकती, वो लोग इतने अच्छे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो लोग बहुत घटिया है, ऐसा वो बोलती है। इस सुनने के बाद एहन बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा उन लोगों को हेल्प करती हो, मैंने देखा हुआ है तुम्हारे दिल में उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा नफरत है, तो इनमें रीजन क्या है, मुझे सच बताओ असल में क्या हुआ है जो तुम उन लोगों के लिए इतना ज्यादा नफरत अपने मन में पाले बैठी हो, या फिर लोग जो बोलते हैं वो सच है कि तुम बहुत मतलबी हो और बहुत लाची हो जिसकी वजह से तुमने डॉक्टर पैको का हॉस्पिटल छीन लिया, मुझे बता वालाई क्या है सच। ये सुनने के बाद वालाई कुछ भी नहीं बोलती। ये सुनने के बाद जो एहन है वो बोलती है कि देखा आज भी वही साबित हुआ, तुम बहुत मतलबी हो और तुम बस अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हें सब कर रही थी, कोई बात नहीं मैं तुम्हें आज के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं करूंगी, बोल के वहां से जाने वाली होती है। तभी वालाई बोलती है कि नाइकी बहनी की उसकी मॉम उसने हमारी मॉम को मारा है। ये सुनने के बाद जो एहन है वो तो पीछे मुड़ती है और जैसे अपनी बहन को देखती है उसका रिएक्शन बहुत शॉकिंग था। जब रूथ को पता चलता है कि उसकी माँ को हार्ट अटैक आने से पहले वो वालाई के रूम में गई हुई थी और वहीं से उसे निकाला गया था उनको, तो वो तो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। हमें दिखा जाता है वो सीधा जाता है वालाई के रूम पे और वो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी मॉम के साथ क्या कर रही थी, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ गया। वालाई बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारी मॉम को कुछ करूंगी, वो तो खुद ही बेहोश हो गई। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करता, तो जो वालाई है वो बता देती है कि मेरी हॉस्पिटल के पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाली तुम्हारी मॉम थी, मैं तो बस कंफर्म कर रही थी, अच्छा हुआ कि पुलिस के हाथ नहीं दिया तुम्हारी मॉम को, वरना सोचो क्या होता इसके साथ मिलके, बोल के वो जिम को दिखाती है। अब यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि रोज उसके बात पे भरोसा करता, वो बोलता है कि तुम झूठ बोले, मुझे तुम्हारे बात में भरोसा नहीं। वाले बोलते कि आई डोंट केयर भरोसा करो या फिर ना करो, लेकिन अगर मेरे हॉस्पिटल पे आकर इस तरह से तमाशा करने लगे ना तो हो सकता है तुम भी जेल जा सकती हो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारी मॉम के बारे में मॉम ने जो कांड किया हुआ है ना वो अगर लीक करूंगी ना बाहर, तो तुम्हारी मॉम की बदनामी अलग से होगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी यार, तुम अपने नए हॉस्पिटल पे भी जा नहीं पाओगे, ऐसा वो बोल देती है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। हमें दिखाया जाता है एन उसे बताने की ट्राई कर रही थी कि हमें भी तुम्हारी मॉम के साथ जो हुआ है उसकी वजह से बुरा लग रहा है, हम दोनों तुम्हारी मॉम के बारे में बुरा नहीं चाहते, ऐसा वो बोल रही थी।
तभी एन को रूज बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी क्योंकि मैं तुम्हारी बात में भरोसा कर नहीं पाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। वो वालाई को बोलता है कि अगर मेरी मॉम को कुछ भी हो गया ना तो कसम से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, वालाई बोल के वो वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि अपनी बहन जेन से पूछता है कि क्या ये सच है, तुमने हेल्प किया था आंटी को हॉस्पिटल का डाटा लीक करने में। ये सुनने के बाद पहले तो जेन कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में हाँ बोलती है, हाँ मुझे पता नहीं था ये सब होगा, मैं तो बस रोज की हेल्प करना चाहती थी क्योंकि हमें रोज की हेल्प करनी चाहिए, ऐसा वो बोल रही थी। बेचारी रोज के प्यार में बुरी तरह से पागल है, क्या करती। सो क्रीट बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी इस प्रयोग को भी वैसे पता है कितनी प्रॉब्लम में फंस सकता था, रोज ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोल के वो अपने बहन को कंफर्म कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो क्रीट और रूज दोनों में लड़ाई हो गई। पता है लड़ाई का रीजन क्या था, क्योंकि रूज को अब क्रीट पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं था और धीरे धीरे करके सबसे अपना भरोसा खो चुका था क्योंकि सब लोग उसे ऐसे हार्म ही कर रहे थे, सब लोग उसके पीछे पीछे प्लान ही कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रूज का ये था कि उसे अभी भी ये बात खटक रही थी कि क्रीट एंड को कैसे जानता है, अगर वो जानता है तो उसने क्यों छुपाया रूज से। अब क्रीट सच तो बता नहीं सकता था तो उसे बताने की ट्राई करा था कि एन ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन ये बात रूज को और भी ज्यादा खटकती है और बोलती कि तुम भी उसके चाम में आ गए, तुम भी उसके प्यार में पागल हो रहे हो, वो ऐसी लड़की नहीं, लेकिन सब लोग उसके दीवारें बन रहे, ऐसा वो बोल रहा था। क्रीट को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते ना अपने बेस्ट फ्रेंड पे, तो तुम्हें मेरा दोस्त बनने का भी कोई जरूरत नहीं, ऐसा वो बोलता है। और वो ये भी वार्न कर देता है कि तुम एन के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात मत करो क्योंकि वो ऐसी लड़की नहीं है, ऐसा वो बोला था। जेन और लेक दोनों मिलकर जैसे तैसे करके अपने अपने भाई को संभाल लेती है। हमें दिखाया जाता है सिचुएशन तो बहुत बड़ा हो गया था। अगले सीन में दिखाया जाता है जो रूज था वो अपनी बहन को वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर उसे सीसीटीवी फोटेज में मिला था कि उसके पापा एक रूम में दिखते हैं और उसके बाद एन दिखती है, एन गई पापा के पीछे और जो वाला है अन्यथा निकले वो वाला। ये देखने के बाद लेक भी शॉक गई थी क्योंकि उसे भी तो ये भरोसा हो नहीं रहा था कि निथान जो इतना अच्छा बनता फिरता है उसकी फैमिली के लिए वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद अपने भाई को बोलती कि अब क्या करना है, ये चीज हम क्या इसको दिखा सकते हैं। इस सुनने के बाद जो रूस था वो बोलता है कि बस ये दिखाना एविडेंस काफी नहीं होगा, बस इसकी वजह से मैं वाला को ऐसे डिफेमेशन केस नहीं डाल सकता, कुछ और निकालना होगा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इनफ नहीं है, ऐसा वो बोला था। और वो बोला था कि इससे ज्यादा चाहिए हमको। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो वाला थी वो निथान से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें तो नागपीत के ड्राइवर के बारे में पता चला। ये सुनने के बाद निथान बोलता है कि नागपीत तो महीने में 2 से 4 ड्राइवर फेरती है, तो अब हमें आइडिया नहीं एक्जैक्ट कौन सा ड्राइवर है, एक बात बताओ तुम्हें वो ड्राइवर क्यों चाहिए। तभी जो हमारी वालाई थी वो ये बोल देती है कि तुम अपने काम से काम रखो, वो तुम्हारी कंसर्न की बात नहीं है, तुम्हारा काम बस ये है कि उसका जो ड्राइवर था उस टाइम का उसे ढूंढो, ऐसा वो बोल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है एन देखती है रूज ऐसे कुछ खाए पिए बगैर वहां पर बैठा हुआ है, वो उसी के पास जाके बोलते है कि आंटी ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत करो हमारी टीम देख रही है, और वो उसे बोलते है कि कुछ पी लो, लेकिन उसको डस्टबिन में फेंकता है। तभी जो रूज है वो बोलता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, एन उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि राउंड टोरी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो रूज है वो बोलता है कि मेरे पापा मर चुके हैं, मेरी मॉम अभी आईसीयू में, मेरे पास मेरा हॉस्पिटल भी रही है और तुम बोल रहे थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अभी मैं ऐसे मोड पे हूँ जिसपे मैं किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकता। तभी एन उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी रूज उसे बोलता है कि तुम ना ये अपना दिखावा करना बंद करो, होता है ना कि शो ऑफ करना, झूठा कंसर्न ये बिल्कुल मत करना, एक गलत है, ऐसा वो बोलता है। अभी एन बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं कोई प्रेटेंड नहीं कर रही, मैं सच्ची में तुम्हारे लिए ओरिज हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए ओरिज हूँ। तभी जो रूज था वो बोलता है कि रियली तुम सच्ची में मेरी फैमिली के लिए ओरिज हो, तो मुझे बस एक बात बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कुछ तो बात छुपा रहे हो, मुझे बताओ ना। और
फिर से एन चुप हो जाती है। शायद उसको पता है एन क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि उसने सीसीटीवी में देखा हुआ था उस दिन का छोटा सा इंसिडेंट। तो एन कुछ भी नहीं बोलती। रूज बोलता है कि एग्जैक्टली तुम कुछ बता नहीं पाओगी, तो यहाँ से दफा जाओ, इससे पहले मेरा सर खाओ, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद एन वहां से चली जाती है। जो एन थी वो पूरे रात हॉस्पिटल पे बैठी हुई थी रामप्रीत की हर सिचुएशन जानने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भले कुछ भी हो लेकिन वो उनको कुछ होने नहीं दे सकती थी। हमें दिखाया जाता है रोज को इसके बारे में पता चलता है, क्योंकि एक नर्स इसके बारे में बता देती है। सो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, थे मिलने आता है एन से और उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इस सारी मेस में पढ़ना चाहिए, क्योंकि रोज ऑलरेडी तुमसे नफरत करता है, अगर तुम यहाँ पर ऐसे पढ़ी रही तो वो और भी ज्यादा तुम पे गुस्सा करने लगेगा। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मैं इस टाइम पे उनको ऐसे छोड़ नहीं सकती, मुझे नहीं लगता एग्जैक्ट क्या हुआ है, अगर मुझे मेरे पास एविडेंस होता तो भी वालाई को ना ये हक नहीं बनता कि वो रोज की फैमिली को डिस्ट्रॉय करे जस्ट बिकॉज उसकी मॉम की वजह से हमारी मॉम की डेथ हुई है, उसके लिए कानून है, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलती है कि मैं बस अभी इस ये कर सकती हूँ कि रोज की मॉम के अच्छे से ख्याल रख पाऊँ ताकि वो लोग हमें और गलत ना समझे, ऐसा वो बोल रही थी। तो बोलता है कि तुम तो उसका ख्याल रखना चाहती हो उसकी मम का, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर ऐसा कुछ होगा उसकी मम को कुछ भी हो गया ना तो फिर सबसे पहले तुम्हारे पीछे पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सारे मेस से दूर रहो, वालाई और रूज को अकेले छोड़ो। ये सुनने के बाद एन बोलती है कि मैं वालाई को अकेले नहीं छोड़ सकती इस बार। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो क्रिश था वो रूज को बता देता है कि इस हॉस्टल में का एचसीओ ऑफर करवाने वाली भी एनी थी और वो उसे गलत ना समझे, वो इतनी बुरी भी नहीं है और वो कोई धोखा दे रहा है इन लोगों को ये बताने वाली भी एनी थी। इस सुनने के बाद रूज बोलता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, वो हमारा भरोसा जीतने की ट्राई कर रहे ताकि वो हमसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करवा सके, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये सुनने के बाद पेट उसे बोलता है कि अब भरोसा करना है या ना करना हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एन इतनी बुरी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, ऐसा वो बोल रहा था। तभी वहां पर आ जाता है चानवित। चानवित मतलब लॉयर वाला, देखो आप लोगों को याद होगा एक निथान हो गया, एक लॉयर वाला चानवित, एक और था डेज। सो डेज की मौत हो गई ऐसा पता चलता है। सुनने के बाद रूज और फिर तो शौक हो गए थे। रूज बोलता है कि वो ऐसे सुसाइड करने टाइप का इंसान तो नहीं था। तभी वो बोलता है कि हाँ, और उसके घर पे एक सुसाइड नोट मिला हुआ है और उसने इसे बिल्डिंग से छलांग लगा ली। और उसके बाद लॉयर अंकल ये बोलते हैं कि जो डेज था वो निथान और पोन वाले के अगेंस्ट सब ढूंढ रहा था और इसी मुझे लगता है कुछ तो गलत है, ऐसा वो बोल रहा था। और रोज भी बता देता है इन दोनों को असल में वालाई के साइड पे कौन है, डेज नहीं बल्कि निथान है, ये लोग खुद ही शौक हो गए थे। अब सीन शिफ्ट होता है निथान और वालाई पर। जो निथान था काफी चील पारा में ऐसे गेम खेल रहा था, ये देखने के बाद वाला उसे पूछती है कि उसके डेट के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है। तभी निथान बोलता है मेरा कैसे हाथ होगा, वो तो सुसाइड करके मर गया ना, ऐसे भी ऑटोस्पी में कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो जमीन पे इतनी बुरी तरह से गिरा है कि उसके तो शरीर के एक भी पुर्जे ढंग के होने ही मिले होंगे, ऐसा वो बोलता है। वाला को कुछ समझ में नहीं आता। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में सब लोग बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद जो हमारा रोज है वो काफी ज्यादा अपसेट था और उसके बाद वो उसके बारे में एन को ना बताने के लिए बोल रहा था क्रीट को। सो हम देखते हैं अगले सीन में जो क्रीट है वो घर पे था, तभी वो न्यूज पे अलर्ट आ गया कि डेज की मौत हो गई। सो इसके बारे में एन को पता चल गया तो वो क्रीट को कॉल करके पूछती है। ये सुनने के बाद क्रीट ज्यादा तो नहीं बताता, बस वो बोलता है कि उसको ऑलरेडी ये पता चल गया है कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे और उसे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो आई थिंक हमें थोड़ा कम बात करना चाहिए क्योंकि मैं अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता, तुम्हारी जान को भी खतरा है, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि देखो एन, तुम्हारे सबसे नजदीक जो है ना उसी से तुम्हें खतरा है, तो प्लीज अपने आप को सेव करो, प्रोटेक्ट करो, ऐसा वो बोलता है। एन तो बेचारी को समझ नहीं पाती। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो रोज था, रोज अले घर वापस आ गए थे और वो अपने पापा की फोटो देखकर बोल रहा था कि अगर मैं उस टाइम पे पापा से लड़ाई करके ना गया होता तो आज मेरी फैमिली इस तरह से टूटी हुई ना होती, वो औरत मेरे घर को ना तोड़ती, ऐसा वो बोल रहा
बोल रहा था, तभी लेक बोलती कि सब लोग होटल में ऐसा बोल रहे थे कि लेक सुसाइड नहीं कर सकता। तभी जो रोजी वो बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पे सांस तक जाना होगा और उसके लिए एक ही बंदी का इस्तेमाल करूंगा मैं, ऐसा वो बोलता है। सीन शिफ्ट होता है अब वालाई पे। वालाई घर पे थी, रोज वालाई को कॉल करता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वालाई बोलती है इतने रात को कॉल किया है, पक्का कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा ना। तभी जो सीन है यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो रूस था वो कुछ रेडी हो रहा था और यहाँ पर क्रीट आ जाता है और जेन आ जाती है, लेक भी थी। सो क्रीट और जेन उसे बोल रहे थे कि आर यू श्योर तुम्हें ये करना है। तभी हमारा रूस बोलता है कि अब ना बस विक्टिम बन के नहीं रह रहा है, अगर उन्होंने हमें धोखा दिया तो हमें भी उनको धोखा देना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद रिपोर्टर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सो बेसिकली क्या होता है ना, रूस मीडिया के सामने ये कॉन्फ्यूज करता है, मतलब भले उसने ना किया हो कि, लेकिन जो पैसन का इन्फॉर्मेशन निकालने वाला काम था वो उसका था, ताकि वो वालाई को डिफीट कर सके, साथ में उसके नए हॉस्पिटल की भी प्रमोशन हो जाए, इसलिए ऐसा किया मैंने, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद तो सब लोग शॉक ही हो गए थे। मैं भी रोज अपने मॉम को बचा रहा था या फिर वालाई का भविष्य जीत रहा था, और वालाई के बोर्ड मेंबर्स भी अपने ऑफिस में ये सब देख रहे थे। और रोज सॉरी बोलता है सबको, और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि मेरी मॉम की बीमारी के पीछे वालाई का कोई भी हाथ नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हो। सो ये सब देखने के बाद सब लोग शॉक हो गए थे। हमें दिखाया जाता है ये सब तो एन भी देख रही थी, और उसके बाद एन जो थेप को कॉल करती है और थेप बोल रहा था कि प्लीज तुम थोड़ा ध्यान से रहो क्योंकि ये बहुत भयंकर जा रहा है और अब मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि किसी के ऊपर भी हम लोग अब भरोसा नहीं कर सकते, पता नहीं वो क्या प्लान कर रहा है, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है रूस जाता है वालाई के पास और वो बोलता है कि चलो अब शर्त के हिसाब से तुम मुझे मेरे पापा का फाउंडेशन वापस लौटा दो। ये सुनने के बाद वालाई बोलते कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तभी रूस बोलता है कि मुझे अपने पापा के फाउंडेशन को चलाना है और मुझे वहाँ का फाउंडर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओ। और वालाई जब मना करने की ऐसे तगार पर थी तो रूस बोलता है कि अगर तुम ऐसा कुछ भी करोगे तो मेरे पास तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस है, यहाँ पर तुमने साफ साफ बोला हुआ है कि मेरी मॉम की बीमारी के पीछे हॉस्पिटलाइज होने के पीछे तुम हो। और वो एक ऑडियो फाइल प्ले करता है और वो बोलता है कि अब तुम सोच लो, अगर तुम ऐसा ना सोच नहीं करोगी, मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रखोगी फाउंडेशन का, तो तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगी। तभी वालाई बोलती कि क्या बात है, तुम भी अपने पापा के नक्शे कदम पे चलने के लिए इतना ज्यादा रेस्पेक्ट हो, कोई बात नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद वो बोलते कि साथ में काम करने में अच्छा मजा आएगा मिस्टर रूस, और दोनों एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं। हमें अब दिखाया जाता है जो एंटी फोन में बातें करते हुए जा रहे होती है, तभी रोज उसे रोक लेता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि मुझे पता चला तुम मेरी मॉम जब आईसीयू में थी तो पूरे रात वहाँ पर जगी हुई थी उनका ख्याल रखने के लिए, और उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे बात पर भरोसा होने लगा है, तुम जेन्युइनली मेरे मॉम की केयर करती हो, मेरे फैमिली की केयर करती हो, और उसे थैंक यू बोलता है। एन तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, सडनली एक मतलब रूड एरोगेंट इंसान इतना स्वीट क्यों बन रहा है। और उसके बाद रूल्स बोलता है कि तुम क्या मेरी मम के ख्याल रखने के लिए मेरे हॉस्पिटल पे आ सकती हो। एन बोलती कि तुम्हारा मतलब, और उसके बाद एन उसे पूछती है कि तुमने वो कॉन्फेशन क्यों की। इसमें के बाद रूल्स बोलता है कि मुझे पता चला कि मेरी मॉम और जेन ने मिल के पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लीक किया हुआ था, और अगर ये चीज़ मैं एक्सेप्ट ना करता तो मेरी बहन फिर से मेरी फैमिली के पीछे पड़ती, इसलिए मैंने ये सब किया, ऐसा वो बोलता है। रूस की मॉम हॉस्पिटल पे थी और उनकी हालत थोड़ी सी सिचुएशन की वजह से वहाँ पर एन भी गई हुई थी। सिचुएशन समझ जाने के बाद जो एन थी उसे रूस एक ऑफर देता है कि वो उसके हॉस्पिटल में आके काम करे, यानी कि वालाई के हॉस्पिटल को छोड़ दे। सुनने के बाद एन बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये सब मानूंगी। तभी रोज बोलता है कि तुमने तो बोला था ना तुम अपनी बहन की गलतियों के लिए कुछ भी कम्पेंसेट करने के लिए रेडी हो, तो चुपचाप मेरे हॉस्पिटल पे आ जाओ और जब तक मेरी मॉम ठीक नहीं होती तब तक तुम मेरे साथ काम करो, ऐसा वो बोल देता है। और वो बोलता है कि अगर तुम ये करने के लिए मानोगी तो मैं ये सोचूंगा कि तुम सच्ची में अपनी बहन की गलतियों के लिए कम्पेंसेट करने के लिए रेडी हो और मैं शायद तुम्हें माफी कर दूं तुम्हारी बहन को भी, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद
एन बोलती है कि ऐसी कोई बेवकूफी मुझसे उम्मीद मत करना, ऐसा वो बोल के वहां से चली जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब एन अपने ऑफिस पे जाती है तो वहां पर वाला ऑलरेडी बैठी हुई थी और उसके बाद वाला ने शायद देखा हुआ था रोज और एन को साथ में बात करते हुए, इस बात की वजह से वो काफी गुस्से में थी और उसे बोलती है कि तुम उससे दूर रहो। तभी एन बोलती है कि मुझे तो पता है मुझे उससे दूर रहना है, लेकिन तुम्हारा मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन लोगों ने ऐसा क्या किया है? आई नो जो मॉम के साथ हुआ है उसके वो गलत है, लेकिन उसका कुछ एविडेंस ही नहीं, और तुम बार बार रोज की मॉम को हट करना बंद करो बोल के उसे वार्न कर रही होती है ताकि उसकी बहन भी सही सलामत बचे। लेकिन वाले बोलते है कि तुम मुझे लेक्चर देने की स्टेज में बिल्कुल भी नहीं हो, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम कोई भी ऐसी बेवकूफी मत करना जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम मेरी अपनी खुद की बहन हो, ऐसा हो बोल रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में वाले को कॉल आता है रोज का, और रोज का कॉल देखने के बाद वो काफी खुश होती है। रोज उसे शाम को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है और उसके बाद हम सीधा चलते हैं रात वाले सीन में। रात को आज असल में रोज का प्लान ये था ना कि वाला की मुझे उस सच जानना चाहता था। अब एन को तो पता चल चुका है लेकिन रोज को तो पता नहीं ना कि वाला असल में उन उसकी फैमिली ने क्या किया था वाला के साथ जो इस तरह से पीछे पड़ी हुई है, और वो ऐसे ड्रिंक करते करते वही सारी चीजें ऐसे निकलवाने की वाला से सच जानने की ट्राई कर रहा था कि तुम मेरे पापा के लाइफ में कैसे आई, कब आई, किस सिचुएशन में, वो सारी चीजें वाला भी बातों को घुमा फिरा के कर रही होती है। और वो ऐसे बोल रही थी कि जो हुआ उसको तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन अभी मैं ये जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ऐसा बोल के और रोज को सजेस्ट करने की पूरी तरह से ट्राई कर रही थी। और रोज ऐसा था कि उसे आज किसी भी नियम पे वाले से सच जानना था, इसीलिए वो वाले को बिल्कुल भी किसी भी बात के लिए रोक नहीं रहा था। लेकिन जब भी वाले उसके नजदीक आने की ट्राई करती है, आई मीन जिससे उसे किस करने की या फिर उससे चिपकने की ट्राई करती है, तो रोज जैसे तैसे उसे टाल देता था। और उसके बाद वाला को रोज बोलता है कि मुझे लगता है तुम बहुत ड्रंक हो, तो मैं कार छोड़ने के लिए चला जाता हूँ, ऐसा वो बोलता है। वाला उससे पहले मना कर रही थी कि ऐसा ना करो, मतलब मैं बहुत ड्रंक हूँ और ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ, यहीं पर रह जाती हूँ, लेकिन रोज उसे मना कर देता है। और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं वाला को छोड़ने के लिए। वाला को दिखाया जाता है जब वो अपने फ्लैट पे गई हुई थी, तो वहां पर वो ऐसे रोज को बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, और उसके बाद उसे ऑलमोस्ट किस करने वाली होती है। तभी जो रोज था वो फिर से उसे मना करता है और उसके बाद वो एन को बुला लेता है। तो एन ऑलरेडी आई हुई थी, एन को देखने के बाद वाला का तो दिमाग ही खराब हो गया था, वो सोच रही थी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और उसके बाद रोज बोलता है कि मैं तुम्हें मैसेज किया था ना, तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, इसे संभाल लो। और एन तो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसे ये तो फर्क नहीं पड़ता था कि अभी रूज और वाले साथ में, लेकिन उसे ये तो थोड़ा डर अजीब लग रहा था कि उसे मैसेज आया था कि वाला की कंडीशन ठीक नहीं है, और यहाँ पर आने के बाद तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कोई थर्ड वेल है, यानी कि रूज और वाला के बीच में आ रही है और वहां से जाने वाली होती है। रूज उसे मना कर देता है और उसके बाद वो रोज वहां से निकलता है अपनी बहन का ख्याल रखो बोल के। और जो वाला थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है एन पे, वो बोल रही थी कि तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो, और उसे बहुत ज्यादा लेक्चर चाह रही थी। एन उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वाला एज यूजल बहुत ज्यादा हाइपर होती है, अपनी बहन को उल्टा सुनाती है। हमें दिखा जाता है जब हमारी एन बाहर आती है तो रोज वहीं पर था, और रोज को एन साफ साफ पूछती है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया ना मेरी बहन के बीच में लड़ाई करवाने के लिए। तभी एन को जो रूज था वो सॉरी बोलता है क्योंकि उसने ऐसा तो नहीं चाहा था, लेकिन वो ऐसा जरूर था कि अभी वाले बहुत रॉन्ग थी और वो उसे घर छोड़े ऐसा वो चाहता था, इसीलिए उसने मैसेज किया था वाला के फोन से। लेकिन उसे ये आइडिया नहीं था कि जो वाला है वो इतना ज्यादा आगे जाएगी। एन बोलती कि तुमने ये तो जरूर देखा होगा आज की मेरी बहन के दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है, तो प्लीज मैं चाहूंगी तुम मेरी बहन की फीलिंग के साथ ना खेलो, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रूज बोलता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, तुम जेलस फील कर रही हो। ये सुनने के बाद एन कुछ भी नहीं बोलती, बस वो उसे स्ट्रेट फेस देखती है, बोलती कि मुझे एक फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बहन के साथ हो या फिर किसी और के साथ, लेकिन जिसके साथ भी हो ना बस ऑनेस्ट रहना और मेरी बहन को हर्ट मत करना, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है भले ही एन ने मना कर दिया हो रूज के साथ उसके हॉस्पिटल पे शिफ्ट होने के लिए, लेकिन वो ये जरूर यकीन करने
लगा था कि अब एन उसकी मॉम के लिए सीरियस है, मतलब वो कोई प्रिटेंड नहीं कर रही जिस तरह से वाला कर रही है। और उसके बाद वो वही चीजें नोटिस कर रहा था, जब उसकी मॉम की हेल्थ थोड़ी खराब होने लगती है तो वो देखता है एन कितने परेशान है, और वो सीधा वाला के सामने भी उसे प्रपोज करता है कि प्लीज मेरे हस्बैंड से शिफ्ट हो जाओ जब तक मेरी मॉम ठीक नहीं हो जाती। लेकिन वाला इस बात के लिए साफ साफ मना कर देती है, और हमें दिखाया जाता है जो वाला थी, वाला का पूरा गुस्सा एन पे उठ रहा था कि तुम पर इतने जितना ज्यादा क्यों ध्यान दे रहा है, मतलब होता है ना तुम अटेंशन ले रही हो, तुमने मुझसे मेरे पापा को भी छीना, मामा को भी छीना, और अब मेरा प्यार भी छीन रहे बोल के और मुझे उल्टा अपने बहन को लेक्चर दे रही होती है। एन थक चुकी थी अपने बड़ी बहन को समझाते समझाते, और वो बस ये बोलती कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी मॉम के लिए और थी और मैं कोई प्रिटेंड नहीं कर रही बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो निथान था उसे पता चल चुका था कि वालाई ड्रंक होने के ड्रामा करती है, और उसको अपने अपार्टमेंट ले आई थी, और वही क्लिपिंग दिखाता है, और उसके बाद वो उसे बोलता है कि अभी के अभी तुम जितने भी शेयर्स तुम्हारे नाम पे उससे डबल शेयर मुझे दे दो। पहले तो मना कर रही थी, लेकिन निथान बोलता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो बोर्ड मीटिंग होने के टाइम पे मैं सब कुछ प्ले कर दूंगा, और उसके बाद उसे किसी भी कीमत पे वो साइन करना ही पड़ता है। हमें दिखा जाता है नेक्स्ट वाले सीन में एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जो यहाँ पर एक असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू देने आई थी, और इसका नाम है वान। और वान को देखने के बाद निथान इतना कुछ खास खुश दिख नहीं रहा था। बाद में हमें पता चलता है जो वान थी वो निथान की एक्स हुआ करती थी, और अभी ऐसा लग रहा था कि जो वान है वो कुछ मोटिव से यहाँ पर आई हुई है, क्योंकि वो निथान से इसी तरह से बात कर रही थी और निथान भी उसे देख के कुछ खास खुश दिख नहीं रहा था। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है जो रूज था वो अपने घर पे था, और वो कुछ बातें याद कर रहा था, यानी कि जब वो पहली बार एन को मिला था, और उसके बाद जब वो एक्सीडेंट में पड़ा तो एन ने किस तरह से उसका ख्याल रखा, और उसके बाद उसे एक वीडियो भेजता है जहाँ पर वालाई और निथान एक ही कमरे से निकले थे, जो एपिसोड वन वाला सीन था। और वो वीडियो भेजने के बाद एन को दिखाया जाता है, एन वो वीडियो देखती है, वो शॉक में आ जाती है कि रूज को सच पता चल चुकी है। और उसके बाद एन को रूज कॉल करता है और वो बोलता है कि तुम मुझे मना कर रही थी, मैं अस्पताल में शिफ्ट हो जाऊँ, मैं बोल रहा था तो मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी ऑफर है, अगर तुम अपने हॉस्टल को रिजाइन करके मेरे हॉस्टल पर शिफ्ट ना हुई ना तो मैं इस क्लिप को पूरे इंटरनेट के सामने इसे रिवील कर दूंगा, तो तुम सोचो तुम्हारी बिजली के साथ क्या होगा, ऐसा हो बोलता है। और उसके बाद एन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, रोज बोलता है कि तुमने मेरे सामने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, आई एम सॉरी बोल के वो फोन को रख लेता है। सो गाइस आप दिखाए जाते हैं नेक्स्ट वाले सीन जहाँ पर जो एन थी वो हॉस्पिटल को रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करवा देती है, और उसे साफ साफ मना कर रही थी रेजिग्नेशन देने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि उसकी बहन जा रही है बल्कि इसलिए क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो उसको पक्का छीन लेगी उससे। लेकिन एन उसे बोलती है कि मेरे पास इस सबको खत्म करने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और उसे माफी मांग के वहां से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है वाला का दिमाग तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हमें फिर से दिखाया जाता है जो बंदी आई हुई थी वन, असल में वो निथान से कुछ तो चाहती थी। एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जहाँ पर वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और उसने इतना मारा था कि उसका एबोर्शन हो गया था, मतलब मिसकैरेज हो गया था, वही सारी चीजें वो याद कर रही थी और काफी गुस्से में थी। तो देखने से ऐसा लग रहा था कि ये बंदी पक्का उससे बदला लेने के लिए आई हुई है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो एन थी वो उसको नौकरी से करके बाहर निकलती है, और उसके बाद रोज उसे पूछता है कब तक ठीक होंगी, एन वही सारी चीजें बताती है। और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन इतना ज्यादा वैकेंट था, यानी कि होता है ना कोई इंटरेस्ट नहीं रोज से बात करने के लिए, इस तरह से वो बात ही कर रही थी। तो रोज से पूछता है कि क्या हुआ है, तभी वो बोलता है कि तुम्हें इस सब चीजों से मतलब नहीं होनी चाहिए, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी मॉम का देखभाल करने के लिए, और जैसे तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी मैं यहाँ से चल जाऊंगी। रोज बोलता है कि अपने पुराने हॉस्पिटल पे, एन बोलती कि नहीं मैं वहाँ पर जाऊंगी जहाँ पर तुम और वाला ही ना होगी, मुझे ना सब कुछ खत्म करना है, और ये सब करके मैं अपने बहन के ऊपर आने वाली मुसीबत को भी खत्म करूंगी, और मेरी बहन ने जो भी किया तुम्हारी फैमिली के साथ वो भी उसके लिए मैंने कंपेंसेट किया है, मुझे ऐसा फील होगा, और मैं कभी भी तुम या फिर वाला की लाइफ में वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में थोड़ी सी शांति चाहिए, ऐसा वो बोलती है। रोज बोलता है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा मेरे परमिशन के बगैर कहीं और जाने का, ऐसा वो बोला था। तभी एन
बोलते कि तुम किस हक से मुझे अलाउ नहीं करोगे, कौन सा तुम्हारा और मेरा कुछ रिश्ता है यार, ऐसे भी कभी कुछ हो नहीं सकता हमारे बीच में, तो कभी भी ऐसी बातें हम दोनों के बीच में मत लाना, ऐसा वो बोल के वहां से निकल जाती है। और जो रूस था वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। सो गाइज, यही पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया, जो था एपिसोड नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द बने, तो प्लीज़ मुझे भी ढेर सारा प्यार दिखाओ, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसी हिसाब से मैं ड्रामा आप लोगों को लिए लेके आऊँगी। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।